एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। शेफ़ एंड स्टाफ में आपको वेलकम। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मटर गोश्त। तो मटर गोश्त के लिए जो हमें सामान चाहिए, मैंने तकरीबन हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा होगा ये मैंने मटर लिया है, ज़ीरा गरम मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया मैंने 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया लिया मैंने 1 टेबल स्पून, टमाटर लिया मैंने 1 नॉर्मल साइज़ का, रेड चिली पाउडर लिया मैंने 2.5 टीस्पून और 1 नॉर्मल साइज़ का मैंने लिया है प्याज। तो पानी जो है वो मैंने चढ़ा दिया, तकरीबन 1/2 लीटर के करीब जो है मैंने पानी रखा है। और जो मटर है वो मेरे पास है फ्रोज़न, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश मटर नहीं मिलते हैं, तो मटर जो है वो मैंने फ्रोज़न लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, मटर है तकरीबन मेरे पास 1.5 आधा किलो के करीब, वो बाद में हम डालेंगे क्योंकि फ्रिज में अभी नहीं निकालूंगी, वो फ्रोज़न है। ये मैं सारी चीज़ें अंदर डाल दूंगी। सॉल्ट जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो डालना है। मैं 1.5 टीस्पून डालूंगी और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। शुरू में 1.5 टीस्पून डालती हूँ सॉल्ट। ये सारा सामान अंदर चला गया। अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ मटन और इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 1/2 लीटर मैंने पानी डाला है, 300 ml मैंने ऑलिव ऑयल डाला है और इसको अब हम चढ़ा देंगे हल्की आंच पे, जब तक ये इसका गोश्त गल ना जाए। फिर जब पानी थोड़ा सा रह जाएगा फिर हम इसको भूनेंगे। ये तब हम अपना सालन जो है वो चेक करते हैं। ये मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ था, माशाल्लाह से पानी जो है इसका ड्राई हो गया है, प्याज भी इसके हो गए हुए हैं। तो इनको जो हम तेज़ आंच पे अब भून लेते हैं और फिर इसके अंदर हम मटर डाल के तो फिर हम भूनेंगे। आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने मटर लिए हैं तकरीबन 1.5 पाव के करीब। जैसे गोश्त भूनता है तो हम इसके अंदर मटर डाल के फिर इसको भूनेंगे। ये तो हमारा मसाला जो है वो हो चुका है माशाल्लाह से। तो इसमें अब हम डालते हैं मटर और वो भी हम 4-5 मिनट इसको मटर को भी भून लेते हैं। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 पाव के करीब, सॉरी 1.5 पाव कह रही हूँ, पानी इसमें ऐड करेंगे 300 ml के करीब। अगर कम हुआ तो फिर हम उसमें और डाल देंगे, लेकिन अभी हम इसको भूनेंगे जी। तो अब हम चेक करते हैं और इसके अंदर हम तकरीबन 6 के करीब, ये पाकिस्तान में जो वो छोटी होंगी तकरीबन 6 लगा लें, ये बड़ी थी तो मैंने वो 4 जो है वो ग्रीन चिली डाली है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये मैंने लिया है 400 ml मैंने पानी लिया है, हम देखते हैं इसमें कितना डलेगा। इसकी ग्रेवी चेक कर लेती हैं आगे थोड़ी ठीक है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, थोड़ा सा और डालते हैं, 100 ml डालते हैं। टोटल जो है वो 500 ml हो जाएगा पानी। तो ये देखिए टोटल 500 ml हो गया। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं और एंड में इसके अंदर धनिया डाल के फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ताकि ये जो पानी है वो प्रॉपरली पक जाए। ये 2 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए अभी, तो हम इसके अंदर जो है थोड़ा सा धनिया डालेंगे और फिर इसको 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। हाँ जी, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने सालन को कर देते हैं बंद और फिर इसको जो है हम डिश आउट आपको करके दिखाते हैं। हाँ जी, तो देखिए अब हमारा बड़ा मज़े का मटर गोश्त जो है वो रेडी है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके ऊपर। आप डालें गरम मसाला और बहुत मज़े का इसका टेस्ट आया। आप यकीन करें, आप इसको बनाएं, बनाकर ट्राई करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और यहाँ पे मटर जो है वो फ्रोज़न होते हैं, वो 2-3 मिनट में ही बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, तो इधर फिर हम ज़्यादा नहीं भून सकते हैं। तो पाकिस्तान में या दूसरी जगहों पर मटर जो थोड़ा टाइम लगता है तो आप उसको प्रॉपरली ज़्यादा भून लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जो है इसकी लुक आई है। आप इसको ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।